हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। विश्व गुरु भारतवर्ष इस वक्त बहुत लंबी उड़ान भर चुका है। हमारे देश में पीएम मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है तब से ही उन देशों से हमारे रिश्ते खराब होते नजर आ रहे हैं, जिन देशों से हमारे बरसों पुराने रिश्ते हैं। नफरत की सियासत से पूरी दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है, जिसका ताजा मिसाल यूएई है। दुबई की शहजादी भारत में हो रहे मुस्लिम विरोधी हिंसाओं से कई बार आगाह करा रही है। वो बार बार मुस्लिम विरोधी मुहिम को दुनिया के सामने उठा रही है, लेकिन हमारे मोदी बाबू इन तमाम घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी जबान खामोश है, शायद इन घटनाओं को उनकी तरफ से मौन सहमति मिल चुकी है। इन घटनाओं के खिलाफ कुवैती सांसद पहले ही मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। अमेरिकी संसद में मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना हो चुकी है, लेकिन अब कनाडा से भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। इस बार जिसने आवाज उठाई वो मुस्लिम नहीं बल्कि एक सिख सरदार है, जिसने मोदी सरकार से इन घटनाओं को रोकने के लिए कहा। यह एक बड़ी बात है कि जब भारत में अलग अलग धार्मिक संगठन या तो मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की अपील कर रहे हैं या फिर सब कुछ देखकर खामोश हैं, तब विदेशी से उठने वाली आवाज ये बता रही है कि दुनिया हमें बहुत गौर से देख रही है और हम उनकी नजर में चाहकर भी अच्छा नहीं बन सकते। कुछ ऐसी ही आवाज भाजपा के भीतर से भी उठ चुकी है। अभी हाल ही में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने कहा था कि मुस्लिम को परेशान मत कीजिए, मुसलमानों को शांति और सम्मान से जीने दीजिए। येदियुरप्पा का बयान इस बात को बताने के लिए काफी है। हमारे देश का हिंदू अभी भी इंसाफ परस्त है, वो धर्म के नाम पर फैलाई जा रही हिंसा का मतलब बखूबी समझ रहा है और इसे गलत भी मान रहा है। भले ही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर एक तरफा कार्यवाही का इल्जाम लग रहा हो, भले ही कर्नाटक में हिंदूवादी संगठन बार बार मुस्लिम संगठनों को निशाना बना रहा हो, लेकिन येदियुरप्पा का बयान बताने के लिए काफी है कि हर किसी का जमीर बिकाऊ नहीं है। इस तरह से कनाडा के एक बड़े सिख नेता ने मुस्लिमों के खिलाफ हो रही हिंसा पर जिस तरह की चिंता जाहिर की है, उसे देखकर कहना गलत नहीं होगा कि अब धीरे धीरे दुनिया भर से नाइंसाफी और जबर के खिलाफ आवाज उठ रही है। पूरी दुनिया में हमारा देश एक ऐसे देश के तौर पर जाना जाता है जहां अनेकता में एकता है, लेकिन सियासत के लिए जमीर का सौदा करने वाले नेताओं ने भारत को जर्मनी की राह पर धकेल दिया है। अपनी नफरतबाज सियासत के लिए ये लोग हिंदू धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और हिंदू प्रतीक चिन्हों के आधार पर दूसरे समुदाय को निशाना बना रहे हैं, और हमारे देश का भोला भाला हिंदू इन नेताओं के चंगुल में बहुत ही आसानी से फंसता जा रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि वो जो नेता उनके बच्चों के हाथ से कलम छीन कर तलवार पकड़ा रहे हैं, आखिर उन बच्चों का उनका भविष्य क्या होगा। वो नहीं सोच रहे कि जो बच्चे मस्जिदों पर भगवा लहराकर खुद को सच्चा सनातनी साबित कर रहे हैं, आखिर वो बेरोजगार क्यों हैं? आखिर क्यों उनके मोबाइल का रिचार्ज से लेकर गुटखा खाने के पैसे माँ बाप से ले रहे हैं? ऐसे नौजवान क्या डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनेंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये लोग एक नंबर के छठे हुए गुंडे, बदमाश, मवाली, छिनैत अपराधी बनेंगे। लेकिन कनाडा से सिख सरदार के उठने वाली आवाज भारत में सिख समाज को मुस्लिमों के साथ खड़े होने के लिए बहुत ही खामोशी से संदेश दे रही है। आखिर क्यों पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है भारत? आखिर क्यों भारत बनता जा रहा है जर्मनी? आखिर क्यों पूरे देश में नफरत फैला रही है भाजपा? आखिर क्यों विदेशों से उठ रही है मोदी के खिलाफ आवाज? आखिर क्यों कुवैत, अमेरिका और अब कनाडा ने मोदी को दिखाया है लाल आंख? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। भारत में जिस तरह से नफरत की खेती हो रही है उससे केवल बारूद की गंध आ रही है, जिसने उन देशों को बोलने के लिए मजबूर कर दिया है जो देश हमारे बरसों पुराने साझेदार हैं। अब कनाडा के न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने भारत में मुसलमानों को लेकर चिंता जाहिर की है। जगमीत सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी भावनाओं को रोकना चाहिए। जगमीत सिंह ने लिखा कि भारत में मुस्लिमों को निशाना बनाकर हो रही हिंसा की तस्वीरें वीडियो देखकर मैं बेहद चिंतित हूँ। मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी भावनाओं को उकसाने से रोकना चाहिए। मानव अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। कनाडा को दुनिया भर में शांति के लिए अपनी मजबूत भूमिका निभानी चाहिए।
आपको बता दें कि जगमीत सिंह भारतीय मूल के कनाडाई हैं, जो कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार के अहम सहयोगी पार्टी के नेता हैं। बीते चुनावों में जगमीत सिंह की पार्टी ने 24 सीटें जीती थी और वो किंग मेकर की भूमिका में थे। जगमीत सिंह का ये ट्वीट ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत में रामनवमी के मौके पर कई राज्यों में हिंसा आगजनी के मामले दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की हिंसा की चर्चा सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहां आरोपियों के घर को बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया जा रहा है। दिसंबर 2013 में जगमीत सिंह को अमृतसर आने के लिए भारत ने वीजा नहीं दिया था। जगमीत सिंह का ताल्लुक पंजाब के बरनाला जिले से बताया जाता है। उनका परिवार 1993 में कनाडा शिफ्ट हो गया था। भारत में 1984 में सिख विरोधी दंगे को लेकर जगमीत हमेशा से मुखर रहे हैं। जगमीत 1984 के दंगों को सरकार प्रायोजित दंगा बताते हैं। 2013 में जब भारत सरकार ने उन्हें वीजा देने से इनकार किया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया को एक दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं 1984 के दंगे पीड़ित को इंसाफ दिलाने की बात करता हूं, इसलिए भारत सरकार मुझसे खफा रहती है। 1984 का दंगा दो समुदाय के बीच का दंगा नहीं था, बल्कि राज्य प्रायोजित जनसंहार था। ठीक इसी तरह अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने भी भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ हो रही हिंसा का मुद्दा उठाया था और संसद में बाइडेन प्रशासन पर आरोप लगाया था कि वो नरेंद्र मोदी सरकार के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर आलोचना से बच रही है। तब इल्हान उमर ने कहा था कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। इल्हान ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने भारत में मुसलमान होना गुनाह बना दिया है। उन्होंने कहा था कि बाइडेन प्रशासन को दुनिया भर में मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हालांकि इल्हान उमर के सख्त तेवर के बाद बीते सोमवार भारत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर नजर रख रहा है। ब्लिंकन ने कहा कि हम साझे मानवाधिकार पर अपने भारतीय साझेदारों से नियमित तौर पर बात करते हैं। भारत में कुछ सरकारों, पुलिस और जेल अधिकारियों की ओर से मानवाधिकारों के उल्लंघन पर हमारी नजर है। ब्लिंकन ने इस बयान के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को ही अमेरिकी विदेश मंत्री के मानवाधिकार वाले बयान पर भारत का पक्ष रखा। एस जयशंकर के बयान की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। जयशंकर ने कहा कि सोमवार को वॉशिंगटन में 2+2 मीटिंग में भारत में मानवाधिकार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। लोग हमारे बारे में अपना विचार रखने का हक रखते हैं, लेकिन उसी तरह हमें भी उनके बारे में अपने विचार रखने का हक है। हमें उन हितों के अलावा लॉबियों और वोट बैंक पर भी बोलने का अधिकार है जो इन्हें हवा देते हैं। हम इस मामले में चुप नहीं रहेंगे। दूसरों के मानवाधिकारों को लेकर भी हमारी राय है, खासकर जब इनका संबंध हमारे समुदाय से हो। मैं आपको कह सकता हूं कि अमेरिका समेत बाकियों के यहां मानवाधिकार की स्थिति को लेकर हमारे पास कहने के लिए है। इससे पहले दिसंबर 2020 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत में जारी किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ के रवैये पर चिंता जाहिर की और कहा था कि उनकी सरकार हमेशा से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का समर्थक रही है। उस वक्त ट्रूडो के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान गैर जरूरी और एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने जैसा है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि हालात चिंताजनक हैं, हम सभी प्रदर्शनकारियों के परिवार और दोस्तों को लेकर चिंतित हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कनाडा हमेशा से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार को लेकर सजग रहा है। हम संवाद की अहमियत में भरोसा करते हैं। हमने भारत के अधिकारियों से इसे लेकर सीधे बात की है। आपको बता दें कि इसी साल कनाडा में एक ड्राइवर ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि ट्रूडो सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसके मुताबिक अमेरिका से आने वाले उन्हीं ट्रक चालकों को कनाडा में प्रवेश की इजाजत थी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा रखी हो, नहीं तो उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ेगा। ट्रक चालकों के संगठन ने इस नियम का विरोध किया था और कनाडा और अमेरिका के बीच एक अहम ब्रिज को ठप किया हुआ था। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद कनाडाई पुलिस ने बल प्रयोग करके प्रदर्शनकारियों से तितर बितर किया। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें भी हुई। कनाडा की पुलिस की कार्यवाही की भारत के लोग सोशल मीडिया पर आलोचना कर रहे थे। उनका कहना था कि ट्रूडो भारत में किसानों के प्रदर्शन का समर्थन कर रहे थे और अपने देश में प्रदर्शन को बलपूर्वक कुचल रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले कुवैत के डॉक्टर अब्दुल अजीज अल सकाबी ने भारतीय मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों और अपमान की कड़ी निंदा की। उन्होंने उनकी सुरक्षा के बारे में भी गहरी चिंता व्यक्त की। इंडियन अमेरिका मुस्लिम काउंसिल भी इस मामले पर चिंता जाहिर की और कहा है कि इस हफ्ते बड़े पैमाने पर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा की जा रही है, उनके मकान और दुकान तोड़े जा रहे हैं। 8 राज्यों में 8 स्टोरी के जरिए इन घटनाओं की कवरेज दिखाई गई है। तो इस तरह से भारत की पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। इस तरह से इन घटनाओं के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
क्योंकि इन घटनाओं के लिए किसी दूसरे देश को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इन घटनाओं से भारत की इमेज पर बहुत बड़ा धक्का लग रहा है, क्योंकि पीएम मोदी की खामोशी से बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में शोक बहराइची ने भी क्या खूब फरमाया है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत, जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।